तो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मेरे पास ना ही कुछ स्क्रिप्ट है, ना ही बोलने के लिए कुछ है, पर शायद मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप सब से कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ, आप सबके करीब आके कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, संबंध, ये संबंध क्या है? संबंध वो होता है, वो चीज होता है संबंध, जो हम सबको एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और हम सबको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है। हम सब संबंध से तो जुड़े हैं, संबंध के बिना हम लोग क्या है, एक बार आप सोच के देखिए। तो माँ का और बेटा का संबंध, माँ का और बाप का संबंध, एक बाप का एक बेटी के साथ संबंध, एक मामा का एक मामी के साथ संबंध, एक चाचा का एक चाची के साथ संबंध, ये सारे संबंध से ही तो हम हैं। संबंध के बिना हम लोग क्या है? ये संबंध ही तो है जो हम सबको एक बेहतर इंसान बनाती है। तो एक ऐसा ही संबंध आज मेरे ख्याल में आया है, एक नर्स का अपने पेशेंट के साथ। तो एक नर्स वो होता है ना दोस्तों, जिससे हम सब बहुत अच्छी तरीके से परिचित होते हैं, कि नर्सेस हमको तब से पहचानती है जब से हम अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं। जब हम पहली बार रोते हैं तब बहुत ही खुशी का माहौल होता है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है कि यार एक बच्चा है, दुनिया में एक नया लाइफ आया है, एक बहुत ही खुशी का माहौल होता है दोस्तों। और वो खुशी की बात हमारी मम्मी को या हमारे पापा को कौन सुनाने आता है? वो नर्सेस होता है। और जब वो खुशी की बात वो सुनाते हैं ना दोस्तों, तब यकीन मानो कि पूरा दुनिया ही शायद उस खुशी के सामने छोटी लगती है। तो एक नर्सेस के साथ हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से भली भांति परिचित होते हैं, और ये भी हमारे बचपन से, क्योंकि हमारी बचपन ही नर्सेस बनाते हैं। और नर्सेस के अलावा, नर्सेस के सिवा हम लोग शायद कुछ ना है। हम लोग जब भी हॉस्पिटल्स जाते हैं तब नर्सेस ही तो होते हैं जो खुद एक इंजेक्शन लेने में डरती है, पर शायद 100 पेशेंट्स की जान बचाने के लिए अगर उनको इंजेक्शन देना भी पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटते। दूसरों के इंजेक्शंस देने में मास्टर होते हैं, या खुद ऐसे काम करने में मास्टर होता है जो शायद अगर उनके साथ हो जाए तो शायद वो डर जाए। तो एक ऐसे ही नर्स के साथ आज आपका गुफ्तगू मैं कराने वाला हूं। फिलहाल ही मैं हैप्पी नर्सेस डे गुजरा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हर एक नर्स को एक ट्रिब्यूट दी जाए। देखिए, डॉक्टर्स की बात तो हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान के समान होता है, पर नर्सेस, क्या इनको वो सटीक सम्मान मिलती है जो ये डिजर्व करती है? शायद नहीं। तो आइए दोस्तों, एक ऐसे ही नर्सेस के साथ आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, ये सब करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग करोगे, पर एक बार, बस एक बार उस नर्सेस से जाके मुलाकात कर लेना
जो कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपकी सेवा में प्रस्तुत होती है। तो इसी दुआ के साथ आइए देखते हैं। नर्सेस क्या होती है? नर्सेस वो होते हैं जिसको हर दिन वार्ड में जाके सबका मेडिसिन और डोजेस याद रखना पड़ता है। नर्सेस वो होती है जो लाइफ में एक इंजेक्शन लेने में डरती थी, वो आज 100 इंजेक्शन देने में एक्सपर्ट है। नर्सेस वो होते हैं जो थोड़ा सा ब्लड देख के भी फेंट हो जाती थी, वो आज हजारों पेशेंट का ब्लड लेने में एक्सपर्ट होते हैं। As we know, nursing is the noble profession where they should work unconditionally and with love. Also we know, doctors are the brain of the hospital and nurses are the heart. If brain fails, then heart will manage. But if heart fails, then nothing will manage. हम लोग जानते हैं ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बट जब हमारे हार्ट भी काम करना बंद कर देते हैं तब वो लाइफ भी खत्म हो जाते हैं। नर्सेस इज द वुमेन पावर। वुमेन पावर से हम लोग सीखते हैं कैसे लड़की लोग घर का काम और बाहर का काम एक साथ संभालती हैं, कैसे उन लोग दिन भर काम करके भी रात में नाइट ड्यूटी जाके पेशेंट के पास एक बिग स्माइल लेके खड़ा हो जाती है, कैसे उन लोग हर दिन किसी की बेटी किसी की बहन होके उनका पेन खुद से शेयर कर लेती है। नर्सेस ऐसे होते हैं कि सब सच पता चलने के बाद भी उन लोग हर दिन पेशेंट के पास जाके एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, जिससे हर पेशेंट को जीने का ताकत मिलती है। उनके पास एक एक पेशेंट का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के समान है। हर नर्सेस के पास वो व्हाइट एप्रोन का सम्मान कितना है वो हर एक नर्स कह सकती है। अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग एक मास्क पहनने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, हम लोग का सांस अटक जा रहा है, और वहाँ हॉस्पिटल में हजारों नर्स हजारों पीपीई पहन के हर दिन काम करती है। अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर नर्स और डॉक्टर्स को मिलकर काम करना पड़ रहा है हम लोग के लिए। वी आर गिविंग रेस्पेक्ट फॉर देम। आज जो जो खुद के फैमिली को छोड़ के उनसे दूर रह के हर रात हॉस्पिटल में ये सिचुएशन के साथ लड़ाई कर रही है, हर कष्ट को खुद में सह के पेशेंट को ठीक करने के लिए पेशेंट का सेवा करने के लिए खुद की लाइफ को भी दे रही है, वी आर सैल्यूट फॉर देम। ए बिग थैंक्स फॉर दोज नर्सेस हु आर वर्किंग इन दिस सिचुएशन इन द हॉस्पिटल। थैंक यू। हैप्पी नर्सेस डे।